ग्राम पंचायत बागोदा तहसील काला पीपल जिला साजापुर मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत में 3 गांव सम्मिलित हैं। ग्राम बागोदा गद्दीखेड़ी, ग्राम कुमेर एवं ग्राम आदखेड़ा। यह तीनों ही गांव कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बता दें कि यह ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की अपनी सीमा पार कर चुकी है। ग्राम पंचायत के सरपंच, प्रतिनिधि और सचिव के द्वारा ग्राम के कार्य पूरे नहीं कराए जाने से जनता खासी परेशान है। सरपंच प्रतिनिधि श्रीमती धीरेन्द्र कुमारी चावड़ा, पति सुरेंद्र सिंह चावड़ा राजपूत और सचिव लक्ष्मण सिंह पवार हैं। सूत्रों के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि के पति सरकारी टीचर हैं, जो कि अपनी पत्नी के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हीला हवाली, टाल मटोल और भ्रष्टाचार की हदों को पार करते हुए इस ग्राम पंचायत ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे शायद ही कोई भी ग्राम पंचायत तोड़ सके। इस ग्राम पंचायत में पिछले 6 सालों में कोई ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई है। जी हाँ, पिछले 6 सालों से कोई ग्राम सभा आयोजित ही नहीं की गई है। और तो और, जो भी कार्य इस ग्राम पंचायत में कराए जाते हैं वह भी सरपंच प्रतिनिधि के पति की मेहरबानी पर निर्भर करते हैं कि कब साहब किस काम को कराना चाहते हैं और किस काम को नहीं। हद दर्जे की मनमर्जी तो आपको यह वीडियो देखकर ही पता चल जाएगी, जिसमें मनरेगा से बनाने वाली सड़क को साहब और मैडम ने गरीब के पेट पर लात मारते हुए जेसीबी मशीन से बनवा डाली। जी हाँ, जेसीबी मशीन से मनरेगा की सड़क बनवा डाली और फर्जी तरीके से मजदूरों के जॉब कार्ड भी बना डाली। पंचायत बागोदा की ब्रेकिंग न्यूज, 100 लोगों का रोजगार छीनकर कोरोना में रोजगार गारंटी का रोड, जेसीबी में डंपर से डाला गया है जिसमें 100 लोगों का रोजगार छीना गया है। यहाँ जॉब कार्ड लगाकर पैसे निकाले जाएंगे, मजदूरों के मास्टर भरे गए हैं। यह ग्राम पंचायत बागोदा पोस्टर निकला तहसील कालापीपल जिला साजापुर मध्य प्रदेश। रोड की ऊंचाई 4 फीट लेने के लिए जिसमें 2 फीट ली गई है एवं मिट्टी एवं पत्थर डाला गया है जिसमें प्योर पत्थर डालकर चूरी डालने का प्रावधान था। रोड के 14 लाख रुपये हैं, इसमें मात्र 5 से 6 लाख का काम किया गया है। देखिए कैसा कीचड़ मच रहा है, लोगों को परेशानियाँ आ रही है। जब परेशानी आती है जब तुरंत मशीन बुलाकर काम किया जाता है, उसके पहले कुछ भी नहीं किया गया। देखिए ये है ग्राम पंचायत बागोदा जहाँ इतने भ्रष्ट लोग रह गए हैं ग्राम पंचायत में। देखिए पंचायत में ऐसा काम किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को रोजगार छीना जा रहा है। ये बारिश में आकर ये रोड का काम करते हैं ताकि पैसे भी पूरा निकल जाए और रोड भी अधूरा रह जाए। छोटा मोटा काम कर देते हैं और सारे पैसे निकाल लेते हैं। अभी 14 लाख रुपया है। अपनी आंखों से देख लीजिए और अपने कानों से सुन भी लीजिए कि साहब की कारगुजारियों और मैडम की हीला हवाली से आम जनता कितनी परेशान है। जनता की दर्द भरी कहानी सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने मीडिया को बुलाया और मीडिया के माध्यम से सरकार से लगाई है न्याय की गुहार। वो भी खा गए, कहीं नहीं मिला। एक घर में तो मारा में कोई झाड़ पेड़ उगया, ये खाबा पीबे का, और एक घर में पन्नी पड़ी मार घर में नहीं। क्या समस्या है? खाली कोटी के समस्या मारे और कहीं नहीं। मैं राज बेरा हाथी और के खेरी मारी कोटी में ला आता, मैं भी लाग बांधू। अब पटेल का घर गोबर फेंक रही सारी जनता खे देगी, फेंक एक नहीं जन। मैंने घर बंद आए हो घर बंद आने बात को, मैंने अब द्यार की गोबर करके गोबर करूं पटेल का घर जा छोरी पर नहीं। मैंने मेरा पार्टनर और मेरा बच्चा ने शिकायत करी,
काला पीपल पंचायत में उसको मारना है। कौन मार शिकायत काय की करी थी? एक तो कुछ नहीं है साहब मेरे पास, और बाथरूम भी नहीं मेरे पास। मेरी बहू बेटी उन तक टीचर में जा रही है, तो उनको मारने को आया दो आदमी, तो मैंने बच्चा के भगा दिया। तू भग गया यहाँ से, तेरे को मारेगा मैं है कौन तेरा? शिकायत आपने पंचायत वालों की करी थी? हाँ पंचायत है। आपने फिर आपको बालक उनको मारना है तो आपने थाने में रिपोर्ट करी क्या? नहीं करी, नहीं करी साहब। एक आदमी साहब कहाँ रिपोर्ट? कहीं रिपोर्ट वो रिपोर्ट करा कहीं है तो ही नहीं, कहीं रिपोर्ट कर दा। क्या समस्या? समस्या बहुत गंभीर है इस गांव की, ग्राम पंचायत की। इस ग्राम पंचायत में जो भी कार्य हुए हैं आज तक मनरेगा के तहत जो होने वाले थे मजदूरों के द्वारा, वो टोटल पोकलैन जेसीपी और डंफरों के द्वारा हुआ है, उसमें से कार्य किए गए हैं। इसमें क्या समस्या हुई? यहाँ के जो गरीब वर्ग के लोग थे जिनको मजदूरी मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली, मजबूरन कुछ लोग यहाँ से पलायन कर गए रोजगार ना मिलने के कारण। ये समस्या मैं शिवराज सिंह जी चौहान तक पहुँचाना चाहता हूँ। यदि यही हाल रहे ना तो आने वाले समय में शिवराज सरकार को कोई वोट नहीं देगा। अब सारी समस्या साहब कुछ नहीं मिल रही है, हरिजन लोगों को देश दुर्भाव रखा जा रहा है कुमेर के साथ में, और कुमेर के जितने गरीब वर्ग के लोग हैं वो परेशान है बेचारे, और अब उनकी कोई सुनता नहीं। पंचायत में जाते हैं तो पंचायत में वैसे सभा ही नहीं होती है, कभी आज लग सभा नहीं हुई, आम सभा जो होती है आज लग नहीं हुई, 7 साल हो गए, 6 साल पीछे, और इसके बाद में 15 कॉकरेट वो मैं 2-4 कॉकरेट कर दिया, 100-100 50-50 फिट के, 3-3 फिट के, और समझा दिया आज लग और काम नहीं हुआ, पैसे निकाल दी काम। और ये हमारा नाले का गहरीकरण नहीं हुआ, उसकी 2.5 लाख राशि 2014-16 में निकाल ली, आज लग नहीं हुआ नाले का गहरीकरण। इसके बाद में शमशान घाट में अधूरा काम पड़ा है, और जा जाके भी जो जो राशि उन्होंने निकाली उनको मालूम है, करना चाहिए उनको, क्यों नहीं करे ये लोग? आप आगे गए इसकी शिकायत लेकर? अरे 100 लोगों के दस्तखत है, अभी सीओ साहब के पास में जाएंगे, गए नहीं पर जाएंगे। सरपंच सचिव से आपने बोला तो? हाँ बोले तो, वो एक रोज मैडम आई थी कालापुर जनपद से, तो मैडम देख के चल गई, वो सामने 150 फीट का कॉकरेट किया उसको बता दिया ना चल गई। कौन सी मैडम आई थी? हम वो मालूम नहीं, कोई सीओ आई है शायद, हमें मालूम नहीं, जानकारी नहीं कौन क्या पद है, पर मैडम आई थी, गांव के किसी से भी कोई बातचीत नहीं की, सरपंच मंत्री ने थोड़ी उनको दिखाया ना, भग गए। ये समस्या गांव में, मतलब इधर क्या है कुमेर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, पक्षपात। उनके गांव में टोटल में 150 कना कितनी कुट्टी दे दी, और हमारे गांव में एक भी कुट्टी नहीं दी। अब गरीब लोग को बेचारा, यहाँ भी गरीब, बिल्कुल गरीब यार, पन्नी डली है, कहीं के घर में पानी चूरी हो। अब ये शासन की जब योजना मिल रही तो इसमें भेदभाव क्यों बढ़ता जा रहा? अब देखना तो यह होगा कि क्या इस खबर को देखने के बाद सरकार की आंखें खुलती हैं, क्या शासन प्रशासन जागता है, और क्या ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा। चौथा और अहम सवाल तो यह है कि क्या साहब और मैडम को उनकी करतूत की सजा मिलेगी या नहीं। साजापुर से संत शरण सिंह चावड़ा की खास रिपोर्ट। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770222999।